पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने कैंसर में मुब्तला शौहर याहिया सिद्दीकी के हमरा अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाकर सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों को खामोश करवा दिया। कुछ अरसा कबल शगुफ्ता एजाज को बैरून मुल्क दौरे पर सोशल मीडिया सार्फीन की जानिब से तनकीद और इल्जामात का सामना करना पड़ा था, जिस पर उन्होंने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा था कि वो क़यामत के दिन ऐसे लोगों का गिरेबान पकड़ेंगे और उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब अदाकारा ने अपने YouTube चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें वो अपने शौहर याहिया के साथ अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाती नजर आ रही हैं। व्लॉग में दिखाया गया है कि उनकी बेटी ईमान अस्पताल में केक लेकर आई और शगुफ्ता एजाज ने अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ मिलकर सालगिरह मनाई, जिस दौरान खुशी के चंद लम्हों को यादगार बना दिया। व्लॉग के दौरान शगुफ्ता एजाज ने निजी अस्पताल की नाकाफी सहूलतों पर भी शिकवा किया और अपने शौहर की जल्द सेहतयाबी के लिए मद्दाहों से दुआ की दरख्वास्त की। वाज़ह रहे कि शगुफ्ता एजाज के शौहर याहिया सिद्दीकी पिछले 5 वर्षों से कैंसर में मुब्तला हैं और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। शगुफ्ता एजाज और याहिया की ये दूसरी शादी है। दोनों की पहली शादियों से दो दो बच्चे हैं, जबकि इन दोनों की दो मुश्तरका बेटियां भी हैं।